हाय फ्रेंड, मैं कविता पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं मूली पराठा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मूली पराठा बनाने के लिए मैंने इससे 3 कप आटा लिया हुआ है। इस कप से दो बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया हुआ है, इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। एक टुकड़ा जिंजर है, उससे मैं बारीक कूट ली हूँ। 2 से 3 ग्रीन चिली है, बारीक चॉप किया हुआ, इसे भी मैं डाल दूंगी। 1 चम्मच अजवाइन है, मैं इसे भी डाल देती हूँ। ब्लैक पेपर है 1/2 चम्मच, छोटा वाला चम्मच से। और ये रेड चिली है, तीखा वाला नहीं है, सिर्फ कलर के लिए हल्का सा मैं डाल रही हूँ। इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी। आधा चम्मच मैं नमक भी डाल देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। घिसा हुआ मूली है, मैंने इसे ग्रेट कर लिया था, इसे मैं डाल देती हूँ। कोरिएंडर लीफ है, मैं इसे भी डाल देती हूँ। पहले ये सारे आटा में मिक्स मैं कर लूंगी इसे अच्छे से। उसके बाद मैं पानी डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेना है मूली को। एक चम्मच मैं घी भी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच। मिक्स कर देती हूँ मैं। देखिए इस तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना है इसका। डो मेरा रेडी हो गया है, बस ऐसा ही करना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है इसे। मैं 1 चम्मच और घी डाल करके इसे मिला लेती हूँ। बस ऐसा ही डो मेरे को रखना है। मैं इसे थोड़े देर के लिए ढक देती हूँ। अब मैं इसे बेल लेती हूँ। डो मेरा रेडी है। सूखा आटा ले लूंगी पहले, छोटे छोटे बॉल बना लूंगी। सूखा आटा फिर से ले लूंगी, स्प्रेड कर लूंगी इस तरह से दोनों तरफ।
इस प्लेट में सूखा आटा स्प्रेड कर दूंगी और एक रोटी रोल किया हुआ मैं रख देती हूँ। इसी तरह से दूसरा रोटी भी रोल करूंगी, सूखा आटा लगाऊंगी ऐसे, फिर रोल करूंगी इस तरह से, सूखा आटा स्प्रेड कर लेती हूँ इधर से भी। फिर से सूखा आटा स्प्रेड करूंगी, इसे भी रख दूंगी। एक और बेल लेती हूँ, मैं चार पराठा रोल कर ली हूँ। अब तवा गरम कर लेती हूँ। गरम हो गया है, मैं डाल देती हूँ एक लो टू मीडियम रखना है गैस का फ्लेम। इस तरह से उलट लेना है, इस तरह से कितना अच्छा सिक गया है एक तरफ। इसी तरह से मुझे लो टू मीडियम में ही सेकना है इसे। हाई फ्लेम में सेकेंगे तो जल जाएंगे। अब मैं घी लगा लेती हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। टर्न कर देंगे, इधर से भी घी लगा लेंगे इस तरह से। स्पैचुला से इस तरह से दबा दबा करके मैं सेक लूंगी। उलट पलट करके मेरा दोनों तरफ से सिक गया है पराठा। अभी से मैं निकाल लेती हूँ, दूसरा वाला भी मैं डाल देती हूँ। इसे भी मैं पलट लेती हूँ, गैस मीडियम कर देती हूँ, घी लगा लूँगी। पलट देती हूँ इस तरह से। साइड में इस तरह से दबाते हुए स्पैचुला से शेक लूंगी। निकाल देती हूँ इसे भी। इसे भी मैं पलट लेती हूँ, गैस मीडियम कर देती हूँ, घी लगा लूंगी।
पलट देती हूँ इस तरह से। साइड में इस तरह से दबाते हुए स्पैचुला से शेक लूंगी। निकाल देती हूँ इसे भी। पलट लेती हूँ इसे। घी लगा देती हूँ। फिर मैं पलट देती हूँ इसे इस तरह से दबाते हुए। मुझे सेक लेना है चारों तरफ। इसे भी मैं निकाल लूँगी। ये वाला भी मैं डाल देती हूँ। इसे भी मैं पलट लेती हूँ इस तरह से। घी लगा दूंगी। बस पलट पलट करके सेक लेना है अच्छे से। ये भी हो गया है, अच्छे से सेक गए हैं। अब मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ प्लेट में। कितना यमी मूली का पराठा रेडी हुआ है। आप इसे चटनी या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना जल्दी रेडी हो गया बन करके, और खाने में तो सुपर यम्मी लगने वाला है। आप भी अपने फैमिली के लिए बनाएं और एंजॉय करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।